शाह के ब्लॉग किचन में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मटन गोश्त और पुलाव आलू देके बनाने जा रही है। मेरा आधा केजी मटन है, ये मसाला है, ये प्याज है, ये टोटल गरम मसाला, ये आलू कटा, ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये चावल। यहाँ मैंने गैस जलाया, बिस्मिल्लाह आप कुकर चढ़ाएंगे। ये मैंने कुकर चढ़ाया, अब इसमें तेल डालेंगे, लगभग 50 ग्राम के अंदाज तेल डालेंगे। तेल गरम होगा तब इसमें बाकी मसाले डालेंगे और फिर इधर पुलाव चढ़ाएंगे। मेरा तेल गरम हो चुका, अब मैं इसमें एक तेजपत्ता, जीरा, गोल मिर्च, जावित्री, थोड़ा सा हरी इलायची, लौंग मैंने दिया और ये प्याज कटा हुआ दिए। मैंने प्याज डाला, प्याज लाल होगा, हल्का सा लाल करेंगे, बेसी लाल नहीं करेंगे नहीं तो गोश्त काला हो जाएगा। इसमें मैंने प्याज दिया थोड़ा सा पड़ेगा। अब मैंने इसमें गोश्त डाला, ये मेरा आधा केजी गोश्त है और आधा केजी प्याज है। अब मैं इसमें हल्का सा तीखा मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा तीखी मिर्च, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, सब एक एक चम्मच है। अब थोड़ा सा नमक, नमक दिए थोड़ा सा, इसको अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट पिसा हुआ थोड़ा सा पुलाव में देंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा शाही गरम मसाला डाला, ये घर का बना हुआ इसलिए थोड़ा सा दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसमें सीटी लगाएंगे, अब इधर पुलाव चढ़ाएंगे। ये सिंपल पुलाव और मटन गोश्त है, इसमें मैंने हल्का सा जरा सा पानी डाला, अब सीटी लगाएंगे। इतने प्रेशर आ गया, मैंने गैस को धीमा किया। यहाँ पुलाव चढ़ाने के लिए मैंने गैस जलाया, डक्ची चढ़ाए हैं। अब इसमें थोड़ा सा तेल रिफाइन देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा रिफाइन डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने रिफाइन दिया, रिफाइन करिएगा तब इसे प्याज देंगे। ये हो चुका, अब मैं इसमें तेजपत्ता, हरी इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च, लौंग, जावित्री, तेजपत्ता, ये सब दे दिया पुलाव में, सया जीरा, जीरा प्याज चटकी, जीरा चटक चुका। अब मैं इसमें प्याज डाली, बिस्मिल्लाह, ये मैंने प्याज दिया। ये सिंपल पुलाव और गोश्त है, यहाँ मैंने इसे चलाया। प्याज लाल होगा तब इसे चावल डालेंगे। अभी प्याज कच्चा है, इधर मैंने गोश्त में सीटी आ गया, गोश्त को धीमा किए हैं। ये प्याज लाल हो चुका खूब अच्छे से ये प्याज, अब मैं इसमें चावल डालूंगी। ये मेरा दो डिब्बा चावल है, मैंने दो नपना चावल, दो डिब्बा चावल नापे थे, चार डिब्बा पानी लेंगे। चावल को अच्छे से पकाएंगे, इसमें हल्का सा नमक देंगे। ये मैंने हल्का सा नमक दिया, आप अपने हिसाब से दीजिएगा। ये मैंने नमक डाला, ये थोड़ा सा लहसुन अदरक पिसा हुआ दे दिए हैं छड़का पुलाव में। देखिए मेरे चावल में अच्छे से महक उठ चुकी, मेरा चावल भी अच्छे से तला गया, थोड़ा सा और तलेंगे इसको। और इधर गोश्त भी चढ़ा हुआ, गोश्त भी अब होने ही पड़ा क्योंकि अब गैस बंद करेंगे, आलू देना है हमको गोश्त में, एक दो सीटी और आएगा तब इसको बंद कर देंगे।
और इधर ये मेरा हो गया, और इसमें मैंने पानी नाप के रखा था, 4 डिब्बा चावल है, 4 डिब्बा पानी दिए हैं डाला। मेरे पतले तले की दक्षी, अब हम इसको बाद रखेंगे, अभी नहीं, अभी ये पकेगा ऐसे ही। ये अच्छे से हो चुका है, ढक्कन लगा के इसको छिपा के छोड़ देंगे। ये मैंने गैस किया, गोश्त हो चुका। अब इधर मैंने ऊपर ये ढक्कन रख दिया है, गोश्त का प्रेशर निकालते तब इसमें आलू तल के डालेंगे। गोश्त कितने अच्छे से गल चुका है। अब हम फ्राई पैन रखेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डाले हैं, आलू तलना है। बस फ्राई पैन चढ़ा दिया है, इसमें तेल दे दिया, तेल गर्म होता है तब इसमें आलू को अच्छे से तलेंगे। आलू तल के देंगे गोश्त में, ये मैंने आलू डाला। और इधर मेरा पुलाव चढ़ा हुआ है, मैंने पुलाव रंग को दूध में घोला है, इस रंग को मैंने घोल दिया है अच्छे से। ये देखिए, ये अब अच्छे से तला रहा है, आलू तलाएगा तब उसका गोश्त को भुनेंगे, गोश्त में डालेंगे। मेरे चैनल लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए आलू अच्छे से तला गया, मेरा आलू अच्छे से तला रहा है, अभी आलू लाल नहीं हुआ, अभी आलू कच्चा है। इधर मेरा चावल भी हल्का खदक गया, थोड़ा सा और अभी खदकेगा, उसके बाद थोड़ा सा अभी आँच ही पर रहने देंगे, उसके बाद उसको तावा पर रखेंगे। ये पतले तले की दक्षी है, यहाँ मेरा ये आलू भी हो ही चुका थोड़ा सा। अब मैं इसे थोड़ा सा मीट मसाला दे दिए हैं, थोड़ा सा इसको अब भूनेंगे गोश्त को, क्योंकि उसे गोश्त को नहीं भुने थे, वो आलू तलना था। इधर मेरा आलू तला चुका है, अब इसको अच्छे से भुनेंगे, गोश्त को अच्छे से भुनना है हमको। जब ये अच्छे से महक उठ जाएगा तब इसमें आलू दे के प्रेशर लगा देंगे। यहाँ मेरा पुलाव का चावल भी उबलने ही वाला, अब इसको थोड़ा सा आँच को सिम कर देंगे हल्का सा। मेरा पुलाव कितने अच्छे से हो रहा है, ये अभी खिला खिला हो गया, अभी और थोड़ा सा अभी ऐसा ही रहेगा, उसके बाद इसको तवा पर रखेंगे, अभी नहीं। और इधर मेरा ये गोश्त भी अच्छे से भुना, गोश्त भी अच्छे से भुना गया, और यह पुलाव भी अभी हो रहा है। अब इसमें हम ये आलू जो तल के रखे हैं, ये आलू डालेंगे। ये मैंने आलू डाला, ये आलू गोश्त सिंपल पुलाव है, मटन गोश्त है। ये मेरा आलू 3 पीस है, आलू मैंने 3 आलू लिया था गोश्त में। यहाँ मैंने आलू दे दिया सब इसमें, ये देखिए मैंने सारे आलू को डाल दिए गोश्त में। गोश्त अच्छे से भुना भी चुका, रोगन भी छोड़ दिया। अब इसमें मैं हल्का सा ग्रेवी लगाई, क्योंकि पुलाव से खाना है इसलिए इसमें ग्रेवी तो वगैरह नहीं होगा। अब इसे मैंने ग्रेवी लगा दिया, अब इसमें 1-2-3 सीटी और ये गलेगा, अभी 10 मिनट और, क्योंकि आलू दिए हैं इसमें, प्रेशर लगा दिया है गोश्त ने। अब आलू गोश्त अभी इधर गलेगा। इधर मेरा पुलाव भी हो चुका है, ये देखिए मेरा पुलाव अच्छे से हो चुका। अब हम ये दक्षी को तवा पर रखेंगे, दम पे रखेंगे इसको, को तवा पर रख दिया। अब इसका अभी आँच सिम कर दिए हैं, अब मैं इस पर फूड कलर यानी पुलाव का रंग डालेंगे थोड़ा सा। ये मैंने कलर डाला, अब ये अभी इस पर ये 10 मिनट तक ये दम पे रहेगा। इधर मेरा गोश्त भी चढ़ गया, आलू गोश्त, मैंने आलू भी तल के डाल दिया, और इधर मेरा गोश्त भी हो रहा है। मेरे चैनल लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए कितने अच्छे से मेरा पुलाव एकदम खिला खिला हो गया। थोड़ा देर ये सिम पर रहेगा, इसी पर थोड़ा सा ये अभी इस पर पकेगा। और इधर ये भी हो रहा है, मैंने आँच को धीमा कर दिया गैस को। ये मेरा पुलाव हो चुका, हम गैस को बंद कर दिए हैं, गोश्त हो चुका, मैंने गैस को बंद कर दिया। इधर मेरा पुलाव भी हो गया, अब हम आप लोग को सर्विसिंग बॉल में निकाल के दिखाते हैं। मेरा गोश्त कितने अच्छे से ये गल चुका, अब हम इसको निकाल ले, ये मैंने निकाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छे से ये गल चुका है, रोगन भी काफ़ी छोड़ दिया है ये। ये देखिए
कितने अच्छे से ये हो चुका मेरा। यहाँ मैंने इसको निकाला, अब हम आपको पुलाव, पुलाव भी हो चुका। अब मैं पुलाव को निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या खिले खिले मेरे पुलाव तैयार हो गए। मैंने इसको निकाला अच्छे से, तेज पत्ता सबको हटा के फेंक देंगे, ये बहुत ही होता है, गंदा लगता है दिखने पर। पुलाव बनता है तो दे दिया जाता है। ये पुलाव मैंने निकाला, ये देखिए मेरे सिंपल पुलाव और मटन आलू गोश्त तैयार हो गए। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम।